क्वेश्चन को हमें अलग अलग तरीके से तीन तरीके से करना है. सपोज हमने y अज्यूम कर लिया. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं. d by dx of दैट इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 टाइम्स x क्यूब प्लस 7x प्लस 9. ये हमारे पास दो फंक्शन है, ठीक है. फर्स्ट फंक्शन ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और सेकेंड फंक्शन हमारा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है. तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं. लेट ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया. तो क्या होता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड डी बाई डी एक्स ऑफ क्यूबिक सेकेंड फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 एंड प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपकी है, मतलब एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 5x और प्लस 8, ठीक है. तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं. एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, ठीक है. 7x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका 7 और 9 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा. तो इस ब्रैकेट का डिफ्रेंशिएशन ये आ गया और ये तो विदाउट डिफ्रेंशिएट रहेगा, है ना. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8. नाउ अब यहाँ पे आते हैं तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल प्लस 7x और प्लस 9 और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका 2x और इसका माइनस 5x का माइनस 5 हो जाएगा और 8 का 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है. अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए हायर टर्म क्या आएगा. x स्क्वायर जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो x की पावर 4 आएगा और यहाँ पे जब x x क्यूब से मल्टीप्लाई हो तब भी x की पावर 4 आएगा. मतलब जब ये पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई होंगी तो सबसे हाईएस्ट टर्म x की पावर 4 आने वाला है. तो हम लोग कोफिशियंट कलेक्ट ही कर लेते हैं, देख लेते हैं x की पावर 4 कहाँ कहाँ से आएगा, ठीक है. तो जब ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे तो x की पावर 4 का टर्म आएगा, ठीक है. और कोफिशियंट क्या बनेगा आपका, यहाँ से कोफिशियंट बनेगा इसका कोफिशियंट इंटू इसका कोफिशियंट, मतलब 3 × 1 आ गया. लेकिन x की पावर 4 यहाँ से भी आने वाला है, ठीक है. क्या हो जाएगा, इसका कोफिशियंट 1 और इंटू इसका कोफिशियंट 2, तो 1 × 2 हो गया, वो प्लस का है. तो दैट इज़ द कोफिशियंट ऑफ x की पावर 4. फिर x क्यूब का टर्म आएगा, है ना. तो x क्यूब का हम लोग कोफिशियंट देख लेते हैं, ठीक है. तो x क्यूब देखिए कहाँ से आएगा, यहाँ से तो आने से रहा, ठीक है. यहाँ से नहीं आने वाला x क्यूब, नहीं आएगा, सॉरी यहाँ से आएगा जब ये माइनस 5x इस 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है. तो माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा और कोफिशियंट क्या बनने वाला है, इस x का कोफिशियंट माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 3. तो माइनस 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 15, ठीक है. यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब का कोफिशियंट कहाँ से आएगा, जब ये एक्स क्यूब इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है. मतलब 1 × −5 दैट इज़ अ कोफिशियंट, 1 × −5 −5 हो जाएगा, ठीक है. तो ये फाइनल एक्स क्यूब सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है ना. फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कहाँ कहाँ से आएगा, ठीक है. देखिए जब ये एक्स स्क्वायर इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मतलब 1 × 7 यहाँ से आने वाला है. क्या कोई और पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है. जब ये एक्स स्क्वायर इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यू गेट सेम एक्स स्क्वायर कोफिशियंट, तो 8 × 3, तो प्लस का 8 × 3 = 24. ये तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब किसी से मल्टीप्लाई होगा तो कभी एक्स स्क्वायर तो आने वाला नहीं रहा. जब ये 7x इस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट आएगा ना, एक्स स्क्वायर का टर्म बनेगा, मतलब एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और कोफिशियंट क्या बनने वाला है, 7 × 2 = 14. तो यहाँ पे एक टर्म और आ गया प्लस का 14, ठीक. तो दीज आर द पॉसिबिलिटी. इसी तरह से आप कांस्टेंट लीनियर टर्म देख लेते हैं, एक्स का कोफिशियंट कहाँ कहाँ से आएगा, ठीक है.
तो जब ये x इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो आपका लीनियर टर्म मिलेगा, है ना, मतलब माइनस फाइव इंटू सेवन, थर्टी फाइव माइनस का, तो माइनस का 35 एंड। अब देखिए यहाँ से कोई भी लीनियर टर्म नहीं मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ से देखिए जब ये इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा या फिर ये वाला इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तब लीनियर टर्म मिलेगा, मतलब 7 इंटू माइनस फाइव, तो माइनस 35 और 2 इंटू नाइन, तो 9 टू जा 18 प्लस का 18, ठीक है। अब क्या आखिरी बचा, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म देखिए कैसे, जब ये कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा मतलब 56 प्लस का 56 और यहाँ पे क्या होगा आपका, जब आपका 9 इस माइनस फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 45। तो ये फाइनल आपने कोफिशियंट कलेक्शन करके कर लिया है ना। अगर आपको ये अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है तो आप सिंपली, आप जैसे अलजेब्रा 8th, 10th, 9th जब भी आपने पढ़ा हो इसको अप्लाई करोगे आराम से, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इन दो टर्म में, ठीक है, दो टर्म आएंगे, फिर 5x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर दो टर्म आएंगे, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे दो टर्म आएंगे, तो कुल 6 टर्म यहाँ जनरेट होने वाले हैं और 6 टर्म वहाँ जनरेट होने वाले हैं, ठीक है। जो लाइक टर्म्स होंगे वो ऐड कर लेंगे आप, तो यू गेट द सेम आंसर, ठीक है। तो ये क्या आने वाला है, 5x टू द पावर 4, फिर माइनस का 20x क्यूब और यहाँ से हो गया आपका 8 प्लस 7 15, 5 1 कैरी हो गया और ये आ गया आपका 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4 45 प्लस का x हो गया। यहाँ से कितना आ गया, ये 70 हो गया और उसमें से 18 हटाना है, 20 हटा के 2 ऐड कर दें तो 52 आएगा माइनस का, तो माइनस का 52x। और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 1 और 11 आ गया प्लस का 11। तो सेकेंड मेथड है आपको कि आप इसके पास, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए फिर डिफ्रेंशिएट करिए। पहले मेथड में हमने क्या किया था, पहले डिफ्रेंशिएट किया था तब सिंप्लीफाई किया था और अभी हम सिंप्लीफाई करके तब डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 टर्म यहाँ हैं, 3 यहाँ हैं, तो कुल 9 टर्म जनरेट होने वाले हैं, ठीक है। तो उन 9 टर्म में क्या क्या आएगा, सबसे हाईएस्ट टर्म x की पावर 5 होगा, तो x टू दी पावर 5 कब आएगा, जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कोफिशियंट क्या बनेगा, 1 इंटू 1, इसका एक्स स्क्वायर कोफिशियंट 1 है और एक्स क्यूब का कोफिशियंट भी 1 है, तो 1 इंटू 1 बनेगा, 1 कोई लिखता नहीं है। अब x की पावर 4 का टर्म देखिए कहाँ कहाँ से आएगा, x की पावर 4 जब ये एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, किसी से नहीं, अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 5 जनरेट करेगा, इससे x की पावर 3 जनरेट करेगा और इससे एक्स स्क्वायर, मतलब ये नहीं जनरेट करने वाला x की पावर 4, ये जब मल्टीप्लाई होगा इससे, ठीक है, तो x की पावर 4 आएगा, कोफिशियंट क्या बनेगा, माइनस फाइव इंटू आपका, यहाँ से आपका किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, एक्स क्यूब से 1, ठीक है, और प्लस, और देखिए कहीं से आएगा, जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर ये से मल्टीप्लाई होगा, नहीं जनरेट होगा, अब नहीं जनरेट होने वाला, तो फाइनली कितना आ गया आपका, माइनस फाइव कोफिशियंट आ गया, तो दैट इज माइनस फाइव एक्स की पावर 4 यहाँ से हटा दिया। अब देखिए एक्स क्यूब का कोफिशियंट क्या क्या आएगा, हम लोग सोच लेते हैं एक्स क्यूब का टर्म, तो एक्स क्यूब का टर्म कब प्रोड्यूस होगा, जब ये एक्स स्क्वायर इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कोफिशियंट क्या बनेगा, इसका कोफिशियंट इंटू एक्स का कोफिशियंट, तो 1 इंटू 7 कितना हो गया, 7, ठीक है। उसके बाद जब ये वाला मल्टीप्लाई, ये वाला किसी से मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब का टर्म नहीं देगा, ठीक है, ये वाला मल्टीप्लाई होकर किसी से एक्स क्यूब का टर्म देगा, इससे देगा, है ना, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का कोफिशियंट क्या बनेगा, 8, ठीक है। तो ये फाइनल हो गया, तो कितना हो गया आपका 15, तो ये हम लोग 15 कर लेते हैं यहाँ पे। ये एक स्टेप पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन देख रहे हैं, जब आपको आदत पड़ जाएगी
तो आप बड़े बड़े क्वेश्चंस में आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब x स्क्वायर वाला टर्म देखिए, ये जब x स्क्वायर इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तब x स्क्वायर जनरेट होगा, x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट क्या बनेगा आपका, 1 × 9, मतलब 9 आ गया। उसके बाद जब ये x वाला इस x से मल्टीप्लाई होगा तब x स्क्वायर का टर्म जनरेट होगा और कोफिशिएंट बनेगा -5 × 7, माइनस का 35। और देखिए अब बाकी ये जनरेट नहीं होगा और कोई भी टर्म जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कितने आ गए आपका, या आ गया आपका 26, माइनस का 26 एक्स स्क्वायर। उसके बाद एक्स वाला टर्म, मतलब लीनियर टर्म, लीनियर टर्म देखिए कब आएगा, जब ये -5 इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, या फिर ये 7x इस 8 से मल्टीप्लाई होगा। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, तो -5 × 9, माइनस का 45 हो गया। और उसके बाद 7 × दिस कांस्टेंट टर्म 56, तो प्लस का क्या हो गया आपका 56, ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल 11 आ जाएगा प्लस का, तो दैट इज माइनस का 11, माइनस का 11 था ना, प्लस 11, सॉरी प्लस का 11। और उसके बाद कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा आपका, 9 × 8 = 72, तो ये आपका मल्टीप्लाई होके पूरा फाइनल टर्म आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 प्लस, सॉरी माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 15 बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 26 बाहर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी 11 बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ दिस कॉन्स्टेंट टर्म 72। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 5 × 4, एन एक्स एन माइनस 1 लगा दिए हम लोग, प्लस सॉरी माइनस ये आ जाएगा 4x³, और वो 4 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो -20x³ आ जाएगा, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, 3x² ये जनरेट करेगा 3x² और ये हो जाएगा 45, तो 45x², देन ये 2x जनरेट करेगा -52x हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 11 और इसका कांस्टेंट 0 आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। फिर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं, लेकिन टेकिंग बोथ साइड लॉग, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड देन लॉग वाई, यहाँ लिख दीजिएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log y इक्वल्स टू log ऑफ होल थिंग दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन प्लस 8 टाइम्स x³ प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। और यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ log y एंड इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉरी एक स्टेप हमने सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे, तब डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ लगा देंगे, लॉग m इंटू एन क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n होता है, तो लॉग x² माइनस 5x प्लस 8 और फिर क्या हो जाएगा, प्लस का लॉग ऑफ x³ प्लस 7x प्लस 9। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, ये लॉग वाई हो गया, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई दैट इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x³ प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। अब ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये डिफ्रेंशिएट होगा नहीं,
क्योंकि log y का फंक्शन है, एडजस्ट करना पड़ेगा. क्या करेंगे, d बाई डी वाई करेंगे यहाँ पे और dy वाई बाई डी एक्स कर लेंगे. ठीक है, अब ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे log का डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर आपका अंदर वाला डिफ्रेंशिएशन होगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन log का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई, चेन रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5x का डिफ्रेंशिएशन तो 2x माइनस क्या हो गया आपका 5. ठीक है, तो यहाँ चेन रूल लगाइएगा आराम से, प्लस यहाँ पे 1 बाई log का डिफ्रेंशिएशन पहले होगा 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा जो भी अंदर है तो 3x स्क्वायर प्लस 7. ठीक है, और 9 का 0 हो जाएगा. तो ये आ गया आपका डी वाई बाई 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स. इस y को आप इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका y टाइम्स दिस होल थिंग. और y आपका है क्या, y ऊपर से जो दिया गया एक्सप्रेशन उसको आप रिप्लेस कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में. ठीक है, तो हम यहाँ जगह बना ले रहे हैं, से y की वैल्यू हम डाल देते हैं तो dy वाई बाई डी एक्स, जो y की वैल्यू डाल देते हैं ऊपर से कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे. ठीक है, प्लस 8 टाइम्स x क्यूब प्लस 7x और प्लस 9. अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नीचे डिनोमिनेटर है वो एक ब्रैकेट से कैंसिल आउट हो जाएगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा ये इनटू जो भी दिया गया है. ठीक है, और सेकेंड वाले में क्या होगा, ये वाला इस ब्रैकेट को कैंसिल आउट करेगा, आपका ये बच जाएगा. तो जो आपने पहले किया था फर्स्ट मेथड, मतलब ये कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया एंड वी गेट एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 टाइम्स 2x माइनस 5 प्लस कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा, क्वाड्रेटिक बचेगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 8 टाइम्स 3x स्क्वायर और प्लस 7. ठीक है, तो ये वैसा ही हो गया जैसा आपने पहले में किया था. ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा के, तो वो सेम आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, यू गेट द सेम आंसर. ठीक है, आप बताइएगा इसमें कि सबसे आसान तरीका आपका कौन सा लगा.